नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भारत के एक नोबल लॉरिएट जिन्होंने नोबल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स के विषय में, उन्होंने गरीब लोगों तक कैसे पहुंचा जाए इस विषय में अपना शोध किए थे और नए फॉर्मूलेज का इजाद किया था कि कैसे गरीबों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है, कैसे आप गरीबों को ढूंढ सकते हैं। ऐसे फॉर्मूले बनाने वाले अमर्त्या सेन, जिनको नोबेल प्राइज़ के साथ भी नवाजा गया था 1998 में, और उसके बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न का प्राइज़ भी दिया गया था। तो वही अमर्त्या सेन जो कि हार्वर्ड में प्रोफेसर भी हैं, वो अभी अभी भारत आए। उन्होंने भारत में आके एक बुक का लॉन्च किया। बुक का नाम था भारत और भारत के विरोधाभास। उस बुक के लॉन्च के दौरान उन्होंने भारत की इकोनॉमिक्स पर एक कॉमेंट किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो डूबती जा रही है। अगर उनके एग्जैक्ट शब्दों को हम दोहराएं तो उन्होंने कहा था, क्वांटम जंप बैकवर्ड्स सिंस 2014, यानी कि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता पर आई है, तब से भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो डूबती जा रही है। और उसके बाद नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट ने कल पीटीआई के साथ अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं चैलेंज करता हूं प्रोफेसर अमर्त्या सेन को और उनको पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे 4 सालों का जिक्र कीजिए जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ भारत की हुई है। मैं चैलेंज के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ऐसे 4 साल गिना नहीं पाएंगे। अगर उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हम आपको सुनाएं तो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा, आई एक्चुअली वुड लाइक टू चैलेंज हिम टू शो मी अनदर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स वेयर सो मच वर्क हैज़ बीन डन फॉर मेकिंग इंडिया क्लीनर, इंक्लूसिव एंड मोर केयरिंग इकोनॉमी। इफ दोज थिंग्स आर नॉट क्लियर टू हिम, देयर ही मस्ट स्पेंड सम टाइम हेयर इन इंडिया। तो यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अमर्त्या सेन जो कि हार्वर्ड में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, उनको भारत में आके ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत है क्योंकि वो भारत की पॉलिसीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो 4 साल ऐसे बताएं जिसमें भारत इससे ज़्यादा इंक्लूसिव था, इससे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, या फिर इससे ज़्यादा केयरिंग था, या फिर इससे ज़्यादा क्लीनर था। तो साफ तौर पर उन्होंने अमर्त्या सेन को चैलेंज कर दिया। अब हम कुछ बातें अमर्त्या सेन से कहना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और दूसरा आप लोगों के लिए हम समझाना चाहते हैं कि अमर्त्या सेन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है और जो भारत का अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। तो एक बेसिकली ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स और राइट विंग इकोनॉमिक्स में। जो अमर्त्या सेन हैं वो लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स में के पक्षधर हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं। अगर आप देखें 1980 से पहले भारत में जो था, भारत में लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स का राज चलता था, एक छत्र राज वही था, और 1991 में जब भारत की इकोनॉमी बिल्कुल डूब चुकी थी उसके बाद राइट विंग इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, राइट विंग इकोनॉमिक्स आने लगी और लोग राइट विंग इकोनॉमिक्स को फॉलो करने लगे। अगर हम एक शब्द में लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स और राइट विंग इकोनॉमिक्स को डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स बेसिकली डेवलपमेंट पर फोकस करती है, वहीं राइट विंग इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ पर और कहती है कि आप अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ले लेंगे तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। तो दोनों ही डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन एक कहता है कि आप बस डेवलपमेंट करो, कैसे करो नहीं बताता, दूसरा कहता है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करो, उसके बाद डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। तो अगर हम एक एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर करें, घर के एग्जांपल से हम आपको इस बात को समझाते हैं कि एक घर में 4 भाई हैं जिसमें से एक भाई अच्छी नौकरी करता है और बाकी के 3 भाई नौकरी नहीं करते हैं। तो एक भाई जो है वो अपने, अगर वो 50,000 रुपये कमा रहा है तो सभी भाइयों में बराबर बराबर वो 50,000 रुपये बांट देगा और सभी भाई आराम से रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो ये लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, ये लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स है, वहीं राइट विंग इकोनॉमिक्स क्या है, राइट विंग इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जो भाई कमा रहा है वो इतना कमा ले कि उसके बाद वो एक फैक्ट्री लगा ले और उसके बाद वो चारों भाइयों को उस फैक्ट्री में इंक्लूड कर ले और वो सभी भाई अब आराम से कमाएं और आराम से खाएं और ग्रो करें। तो ये बेसिक डिफरेंस है
लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स और राइट विंग इकोनॉमिक्स के बीच में। और जो अमर्त्या सेन है वो बेसिकली लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स के पक्षधर हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अमर्त्या सेन के साथ जिसने इस बुक को लिखा है उनका नाम है जीन रेज, और इस बुक को लिखने का 90% श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है। और जीन रेज जो हैं वो रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और जीन रेज वो हैं जिन्होंने मनरेगा का पहला फॉर्मेट बनाया था। मनरेगा जो कि आप सभी को पता है एक फेल्ड पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट के राजकोष से बहुत सारा पैसा केवल गया ही गया है, आया कुछ भी नहीं है। उस मनरेगा का जो फॉर्मेट बनाया था वो जीन रेज ने बनाया था, और वो साफ तौर पर एक लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स का पक्षधर था। लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स उनको समझ में आती थी, तो लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स समझने वाले राइट विंग इकोनॉमिक्स को नहीं समझते। बेसिकली अमर्त्या सेन का जो कहना था क्वांटम जंप बैकवर्ड्स सिंस 2014, तो वो उसका मतलब यही था कि उनको राइट विंग इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है। अब ऐसे में हम अमर्त्या सेन से कुछ प्रश्न करते हैं या फिर कुछ फैक्ट्स उनके सामने रखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहला फैक्ट ये रखना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने नरेंद्र मोदी की प्रेज़ की है, तारीफ़ की है, और कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उसी की वजह से भारत की इकनॉमी बढ़ रही है, भारत की इकनॉमी अच्छा कर रही है। वहीं सिस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिस्को के CEO ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और कहा है कि 2019 में अगर नरेंद्र मोदी चुने नहीं जाते हैं तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 2014 से पहले 130वें नंबर पे था, तो भारत ने अभी 3 सालों के अंदर इतनी ज़बरदस्त छलांग लगाई है, 30 पायदान ऊपर आकर 100वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। 42 करोड़ से ज़्यादा जन धन अकाउंट्स भारत ने केवल एक साल के अंदर खोले हैं। 2014 के बाद से जन धन अकाउंट खोलने का कवायद शुरू की थी और उसके बाद 42 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खोले गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत की इकनॉमी ने अभी अभी फ्रांस की इकनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। भारत की जो इकनॉमी है वो अब 6ठे नंबर पर है और फ्रांस की इकनॉमी से आगे निकल चुकी है। अगर हम बात करें तो 2012-13 में भारत की जो इकनॉमिक्स थी वो 9वें नंबर पर थी, 9वें पायदान पर थी, और अब उसके बाद अगले ही साल मनमोहन सिंह के अंदर 9वें पायदान से खिसक कर 10वें पायदान पर पहुंच गई, और नरेंद्र मोदी के अंडर भारत लगातार जंप कर रही है और इवेंचुअली 8वें नंबर से लेकर 7वें नंबर से लेकर अब 6ठे नंबर पर पहुंच चुकी है। और अगले साल पूरी आशा है कि यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमिक को भी हम फेल कर देंगे और पहुँच जाएंगे 5वें पायदान पर। तो ये बेसिकली ग्रोथ भारत ने दिखाई है। उसके बाद अगर ग्रोथ रेट की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें, तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7.7% की है, और इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ रेट शायद ही किसी और कंट्री की है। वहीं बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली एक, अगर हम एक घर का एग्जाम्पल दें तो उसके ऊपर कितना लोन है वो डिफाइन करता है। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट 2014 से पहले 4.6% का था, और अब 2018 में वो फिस्कल डेफिसिट 3.2% का होकर रह गया है। 4.6% से 3.2% पर आना एक बेहद लंबी छलांग है, एक बेहद अच्छी इकोनॉमी की निशानी है कि इतना लोन उन्होंने चुका दिया है। वहीं उसके बाद अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली होता है कि कितना हमारे पास बाहर से आता है और कितना हमारे यहाँ से निर्यात होता है, कितना हम इंपोर्ट कराते हैं, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बीच के जो डिफरेंस है इसको डिफाइन करता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट आज 1.9% पर है, जो कि 2014 से पहले 3.9% पर था। वहीं अगर हम फॉरेक्स की बात करें कि कितना फॉरेन रिजर्व हमारे पास है, तो आज वो $424 बिलियन पर है। वहीं 2014 से पहले ये केवल $300 बिलियन पे हुआ करता था। आज भारत के पास इतना ज़बरदस्त फॉरेन रिजर्व है जिससे भारत एक मजबूत इकोनॉमी बन रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अमर्त्या सेन को सही मायने में पढ़ने चाहिए
और लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स छोड़कर राइट विंग इकोनॉमिक्स को भी समझना चाहिए। तो ये एनालिसिस है हमारा अमर्त्या सेन के लिए कि आप इन चीज़ों को, इन मुद्दों को भी देखें। और जैसा कि नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप भारत में कुछ समय गुजारिए, आप भारत में नहीं रहते हैं, इस वजह से आपको भारत के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा एनालिसिस है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।